लखनऊ के काशीनाथ का सबसे बड़ा कांड, हुए गिरफ्तार। योगी सरकार में ठेका दिलाने के नाम पर करोड़ों हड़पे। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और बीजेपी नेताओं के साथ फोटो। फोटो दिखाकर कारोबारियों व्यापारियों को दिलाता था विश्वास। नगर पालिका नगर पंचायत मेडिकल कॉलेज में बोला था दिलाऊंगा ठेका। उत्तर प्रदेश में अभी तक पूर्वांचल क्षेत्र को माफिया और अपराधियों के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब तो राजधानी लखनऊ का एक ऐसा माफिया डकैत काशीनाथ सामने आया है, जो योगी और मोदी की योजनाओं का ठेका दिलाने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए हड़प लिए। बता दें, ये ऐसा माफिया था जो देश के कई राज्यों के नेताओं और मुख्यमंत्रियों से अच्छी पकड़ रखता था। अपनी प्रोफाइल में इन नेताओं के साथ बड़े कारोबारियों व्यापारियों को फोटो दिखाकर विश्वास दिलाता था कि हमारी पार्टी और मंत्रियों अधिकारियों में अच्छी पकड़ है। माफिया काशीनाथ अपनी इन्हीं बातों से लोगों को अपने झांसे में लेकर पूर्वांचल के कई जिलों में नगर पालिका नगर पंचायतों और मेडिकल कॉलेज में सफाई का ठेका दिलाने के नाम पर व्यापारियों से करोड़ों की ठगी करता था। गाजीपुर इंस्पेक्टर रामेश्वर कुमार के मुताबिक आरोपित काशीनाथ इंदिरा नगर के पानी गांव का रहने वाला है, जिसने कई व्यापारियों और गरीब लोगों को नौकरी और बड़े कारोबारियों को ठेका दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए वसूल कर मौके से फरार था। पीड़ित व्यापारी राम मुरारी, प्रयागराज के प्रमोद कुमार सिंह और बलिया से रत्नेश और अभिषेक ने काशीनाथ तिवारी और पत्नी कालंदी बेटे शुभम नारायण आशुतोष के खिलाफ 2,72,53,220 रुपए की ठगी करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। इसके आरोप में रविवार देर रात पुलिस ने काशीनाथ तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पत्नी और बेटे मौके से फरार हैं, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। फिलहाल गिरफ्तार हुए काशीनाथ तिवारी को जल्द ही जेल भेजने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।